hello students welcome back to the virtual classroom so uh, in the last week chapter 4 it is completed exercises and question answers also of chapter 4 almost complete now the turn is of english literature and the your new topic is the adventure with the sheep chapter number 5 i think you all will be getting confused that uh, after chapter 3, um, why I have started chapter 5. So, let me tell you that uh, chapter 4 is not in your syllabus, okay? So, this chapter 4, this is not in your syllabus, okay? Only the chapter 1, 2, 3, and 5, these are in your syllabus. So, I have deleted this. So, everyone, that's why I have started chapter number 5. So, you have to start this. ओके सो हियर दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द इमेजनरी थिंग्स समटाइम्स वी यूज़ अर इमेजन इमेजनरी टू मेक द थिंग्स रियल समटाइम्स हम इतना ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को कि कभी कभी वो हमें रियल लगने लग जाती हैं एंड द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स तो दिस देयर इज अ नाइस स्टोरी वैन यू विल रीड वैन यू अंडरस्टैंड द चैप्टर अंडरस्टैंड द स्टोरी यू विल लाफ एट वंस ऑल्सो Uh, in the story the author that is using imaginary things okay so the chapter name is the adventure with the sheep adventure means that uh, exciting things exciting activity so that here the exciting things is done with the sheep here you he can say time to start have you ever spent time gazing up at the sky and looking at the clouds kabhi bhi aap ne apne स्काई uh, की तरफ आसमान की तरफ देखा हो देर तक काफ़ी उसको गेज किया है एंड लुकिंग एट द क्लाउड्स हम क्लाउड्स को देखते हैं एंड वी थिंक्स की दे आर मेकिंग सम इंटरेस्टिंग सेप सेप ऑफ एनी एनिमल सेप ऑफ लाइक ह्यूमन बींग एनी अदर थिंग ऑल्सो यू कैन सी तो हियर सम पिक्चर्स आर गिवेन ओके सो यू कैन कमेंट इन द बॉक्स दैट वॉट इज You think that it uh, that uh, it's a shape of any animal, human being, or what creature is this? You can comment, leave a comment in the boxes if you want. Every student should leave comment. Ki, what you can see here in the picture, these clouds are making some shapes, interesting shapes. You can uh, write here and uh, you you can leave your answer in the comment box. Okay, <clears throat> okay. Now next is before we read the story first we will come to know about the character in the story so here you can see don quixote this is quixote okay it is uh, a fictional character created by the spanish author miguel de cervantes here is a fictional character that uh, uh, the author has taken a name don quixote it is a fictional character that uh,

स्टोरीज़ पढ़ रखी हैं काफ़ी महान योद्धाओं के बारे में सैनिकों के बारे में दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम वन हिमसेल्फ इतना ज़्यादा उसने रीड किया है स्टोरीज़ को कहानियों को योद्धाओं की कहानियों को कि वो अब खुद को भी उनके जैसा समझने लग गया है उनके जैसा बनना चाहता है उन्हीं के जैसा एक्ट करने लग जाता है ही डिसाइड्स टू बिकम अ नाइट और उसने ये डिसाइड कर लेता है वो कि वो भी एक योद्धा बनेगा और अ सोल्जर फाइटिंग फोर द किंग एक राजा के लिए जो एक युद्ध करता है एक योद्धा होता है वो वही बनना चाहता है एन एम्प्लॉय इज अ सिंगल फार्मर और अपने अंडर ही एक सिंगल फार्मर एम्प्लॉय करता है दैट इज सेंचो पांजा एज हिज स्क्वायर असिस्टेंट यू कैन से पांजा द प्रॉब्लम विद डॉन क्यूटे

उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं फॉर हिमसेल्फ और उसके असिस्टेंट के लिए भी ही वो सो स्ट्रेंथ दैट इज नेम क्यूटे इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी वन हु बिहेव स्ट्रेंजली सो वी यूज़ द वर्ड क्यूक सो स्टिक फॉर एनी सच पर्सन तो इसके जो इसका जो नाम है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाने लग गया है कि हिज नेम ऑल्सो डिस्क्राइब अ थिंग दैट बिहेव स्ट्रेंजली द वन पर्सन हु बिहेव स्ट्रेंजली इज क्यूसोटिक तो उसका नाम इसी से पड़ गया है क्यूटिक ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी दिस इज द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी तो यू जस्ट पे अटेंशन ऑल पे अटेंशन टू द स्टोरी यू लिसन केयरफुली देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी देर इज अ नाइस स्टोरी दैट द होल डिपेंडिंग ऑन द इमेजिनरी थिंग्स ओके And the, I have told you already that the uh ज करैक्टर इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज अबाउट द ब्रेव नाइट्स एंड सोल्जर्स तो ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक दैट ओनली जस्ट लाइक अगर आप भी कोई स्टोरीज पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थिंग्स ऑफ वंडर लैंड वगैरह वगैरह के लिए आप सोचते हो तो यू समटाइम्स यू विल ऑल्सो इमेजिन कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं एंड कभी कभी आपको वो चीज़ें रियल लगने लग जाती हैं तो ऐसा ही कुछ स्टोरी में भी है सो आई स्टार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट Okay, so you must watch the next part and the after that part, part also. So many parts are there. You see all the parts, maybe three or four. So, whichever parts you have to watch, every part and you have to listen very carefully uh, to the story. Okay, thank you.